वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मकबूल रिएक्शन। दोस्तों कैसे आप, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम एक और बीबी की वाइन की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, पिताजी गॉड टैलेंट। इससे पहले हमने इंडिया गॉड टैलेंट, अमेरिका गॉड टैलेंट, श्रीलंका गॉड टैलेंट, पाकिस्तान गॉड टैलेंट काफी देखे, लेकिन आज हम देखेंगे पिताजी गॉड टैलेंट। देखिए बगैर देखते हैं ये वीडियो। मम्मी हम तीनों के लिए चाय बना दोगी? कितने कप? 16। अरे तीन लोगे तो तीन का भी तो बनाओगी मम्मी? एक मेरे लिए भी। भुवन बेटा नमस्ते। अंकल नमस्ते। बेटा सुन, मैं कैसे हो आप? ठीक हूँ। तो ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था, बस पीठ में थोड़ा दर्द है मेरे भी। अच्छा सुन, कुछ लगाओगे पीठ पे? हाँ बेटा वो एग्जैक्टली क्या लगाओगे? चांटा। चुप कर जा। बेटा मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ। मुझे वो, हम निकलते हैं फिर आप दोनों कर लो बात। अरे चुप, मुंह पे उंगली रख। बेटा तुझे तो पता ही है मेरे कॉलेज के दिन। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ ना पापा। गोटे में तो पहले से था। नहीं नहीं, मेरा मतलब बहुत किस्से सुनाई है ना। मैं बहुत मुश्किलों से कॉलेज पहुंचता था, पुलिस बैरिकेड और किले टाप के। दिल्ली बॉर्डर पे था कॉलेज? ना ना, कॉलेज में हमारी एक 5 लोगों की संगीत मंडली हुआ करती थी। उसके अंदर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो तबला बजाता था, एक दोस्त सारंगी बजाता था। और आप क्या बजाते थे? तालियां। कुछ भी मत बको, मैं प्रोग्राम का आयोजन करवाता था। अच्छा, कुर्सियां लगाते थे। तू फिर बोला, मुंह पे उंगली रख। बेटा मैंने जीवन में कुछ खास नहीं किया, सब दोस्त मुझसे बहुत होशियार थे, पढ़ाई में खेल कूद में मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। कॉलेज के दिनों से ही मुझे कुछ बड़ा करना था। अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस हाँ, बड़ा हुआ तब भी तो भुवन आया। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? ये देखिए, देख टीवी पे एक नया शो आने वाला है, पिताजी गॉट टैलेंट। हर खंबे पे इश्तिहार लगा है। तो सोच, हर बाप को दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आप पार्टिसिपेट करोगे? तो हम चारों में से बाप कौन है? बेटा बताओ। लेकिन आप में क्या टैलेंट है पापा? अरे मैंने कॉलेज में 2 साल वो भी किया है, वो ड्रामा करने को क्या कहते हैं, रंडी रोना करना। क्या? थिएटर? थिएटर? हाँ हाँ हाँ, थिएटर थिएटर। अरे वाह, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी पीढ़ी ने आज तक नाटक कहाँ देखा है? न्यूज चैनल देखते हो? तुम लोगों के लिए मनोरंजन तो वही होता है, वो 15 सेकंड का टैं 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 टैं। इनको कुछ करके दिखाओ ना। हाँ ठीक है, टाइटैनिक वाला सीन करते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। अरे बड़ा बदतमीज है। शोले वाला करते हैं, शोले वाला। हम का किए बे? मैं गब्बर, आप वीरू, तू बसंती, मैं सांबा। ओके। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। एनकाउंटर का बोले हैं, जहां दिखे हुतड़ में गोली। हे छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो कुछ नाच गाना दिखा दियो हमको भी। नाचती हूँ बसंते, कुत्तों के सामने मत नाचना। कब तक कैंट का पानी बेचूंगी? आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी भार आएगी, आंखें भार आएगी, कांच पे नचेगी, खून निकलेगा, फिर लंगड़ी कुतिया की तरह चलेगी, आओ 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 करेगी। ना पौवे का ठिकाना है ना टट्टी का, खर्चा कहां से करूंगा तेरी मरम पट्टी का। अच्छा हर कैरेक्टर को बड़ा अच्छा निभा रहा है वो, और एक बंदा जिस तरह मैनेज कर रहा है, मैं तो बहुत इंप्रेस हो रहा हूं यार। क्या कर रही हो ये? क्यों गलत किया? रहने देते हैं, गाना गाना भी गा सकता हूँ रहाने जैसे। पापा रिहाना गाती है, रहाने क्रिकेटर है। हाँ हाँ चर्चा में तो दोनों ही। अच्छा सुनो यार, तुम लोग ऐसे मत देखो, घबराहट होती है। ठीक है मत देखो भाई, गाओ। कब से है दिल में मेरे अरमा कही अनकहे, इनको तू सुन। फिर निहार रहा है? निहार नहीं रहा हूँ, घूर रहा हूँ। बहुत भैया कर रहे हो पापा, बहुत भैंडी सी आवाज है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे कंठ से तो फूल झड़ते हैं। क्या कंठ? कंठ? ओ तुझे पता था अंकल, मेरे फादर सानी धापा, सानी धापा, क्या रंडा पा, क्या रंडा, क्या मगारे मगारे पारे सारे मेरे को लीड में जबरदस्त कम तो यार। अरे सारे रहने दे। क्यों कुछ और कर सकते हो? वो स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता हूँ। मत करो, दिक्कत हो जाती है आजकल। एक सेकंड मम्मी,
सुनाओ कुछ। एक आदमी ने अपने पैरों पे घड़ी बांधना शुरू कर दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ चलना चाहता था। ऐसे जोक मारोगे? तू नहीं हंसा लेकिन तेरी माँ को कल यही जोक सुनाया था, बहुत हंसी थी वो। अच्छा मम्मी, काला कुत्ता भाव भाव देती है वो। खाना बना सकता हूँ? इधर देख के बोलना जरा। क्यों, बैंगन की सब्जी नहीं बनाई थी कल? तूने भी तो खाई थी। हमने तो नहीं खाया। हमें लगा कढ़ाई में चूहे ने हक दिया वो बैंगन। तो रहने दो, बेइज्जती करवा लोगे वहाँ जाकर। तुम चुप रहो यार, अनमोटिवेट मत करो मुझे। देख बेटा, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। ओके अंकल, डीमोटिवेट। बेटा इंग्लिश इज सिंपल एंड फाइन, जस्ट पुट although and perhaps before every line। पापा रहने दो ये रियलिटी शो। मैं मुंह से कई आवाजें भी निकाल लेता हूँ। कभी प्लेन सर के ऊपर से निकला है? ये देख। ग्रेट यार। अरे भाई वैसे तो मैं अमिताभ की आवाज में बात कर सकता हूँ। और चाहिए तो मैं फरहान की तरह भी बोल सकता हूँ। मेरे वालिद साहब जो है उनकी आवाज बड़ी काबिले तारीफ है भाई। पापा मैं तेरी एक आवाज पे पाप भी मार सकता हूँ। बोल के तो देख। मैं नहीं बोल रहा। उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया था मैंने, 35 किलोमीटर रोज पहाड़ चढ़ के। पा दो अंकल, पा दो अंकल, पा दो। एक और बार। गैस नहीं बन रही, इनो लेके आना जरा। मैं नहीं ला रही कुछ। समझ गया, आप में टैलेंट है लेकिन आप नहीं जा सकते पिताजी को टैलेंट में। क्यों? इसमें लिखा है कि कंटेस्टेंट के कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। हैं? किसे हो? बेटा तू उस दिन कह नहीं रहा था कि पापा मैं अकेला पड़ गया हूँ थोड़ा? तो एक और बच्चा। क्या देख रहे हो? अकेला पड़ गया हूँ का मतलब था कि उस टाइम पे मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं था। क्या बोल रहे हो पापा? सिलेंडर उठाने में सांस फूल जाती है तुम्हारी। भटूरे फुलाएंगे इस उम्र में ये सब करना इस आदमी को। पर मुझे अपना हुनर दिखाना है। अरे तो क्या बिस्तर से शुरू करोगे? पता नहीं क्या सोचते रहते हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अरे चाय। अरे चोर चोर तो मैं समझ चोर बोल। जो बहुत बड़ा, पता है इसके कितने सब्सक्राइबर है? 4 मिलियन से ऊपर है। 40 लाख बंदा इसको। जबरदस्त, देखने का काबिल भी तो है। ये भी देख कंटेंट था यार, खासकर उसकी जो क्रिएशन है ना वीडियो बनाने की, वो बहुत कमाल की। मजा भी और सब कुछ एक टच था। पिताजी गॉड टैलेंट के लिए, मतलब कि उसने बाप का जितना भी रोल किया है ना सारा सब निभाया, सब बेहतरीन निभाया। फिर खास बात एडिटिंग की है। बिल्कुल, एक रोल को बोल कर फिर कपड़े चेंज करके उस रोल के आगे जो गैप है उसमें दूसरों को फील करना, ये बड़ी चीज मायने रखती है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से निभाया, बड़ा मजा आया। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, हमें काफी अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।